और सच में ये जो मेरा प्लान बना है ना, ये एकदम से बना है यहाँ आने का। बाबा जी ने बुलाया था अपने पास में, तो आ गया मैं दर्शन करने के लिए। ये हमारे बन गए सब्सक्राइबर अल्मोड़ा से, दोनों भाई लोग हमारे। सो गाइस, मिलाता हूँ आपको एक और अपने नए दोस्त से, जो है बेसिकली एमपी के रहने वाले। हाय करो, हाय। हेलो, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से हमारी हनी के साथ में हो गई गाइस एक नई सुबह की शुरुआत। और आप देख रहे हैं भाई कि मैं यहीं से जो है कल का व्लॉग मैंने एंड किया था और यहीं से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, आजकल मैं छत से सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब व्लॉग की स्टार्टिंग और व्लॉग की जो एंडिंग हो रही, मोस्टली आजकल छत से हो रही है। लेकिन जो बाकी के जो व्लॉग है वो छत में नहीं बन रहा है, बाकी का व्लॉग आपको पता ही कैसे बन रहा है। और गाइस, कल का व्लॉग आपने देखा मेरा कंगाली में आटा गीला वाला, तो फिर ठीक ही लगा होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो गाइस, आज मेरा प्लान था, आज मुहर्रम है, 29 तारीख छुट्टी है मेरी आज, इसलिए आप देख रहे हैं मुझे ऐसा बैठा हूँ मैं ये बात कल के व्लॉग में बता रहा था आपको। और अभी जो है मैं इसलिए आया था छत, मैंने कहा थोड़ा मौसम देख लूँ एक बार। मन था मेरा थोड़ा पहाड़ों की तरफ घूम के आने का, लेकिन यहाँ से गाइस जो पहाड़ देख रहा हूँ ना मैं, बहुत बुरी हालत हो रही है। मतलब बिल्कुल ठगे हुए पहाड़, कोरा कोरा सा आया हुआ है और लग रहा है कि बहुत तेज बारिश हुई है वहाँ को। और वैसे भी गाइस अलर्ट बताया था आज और कल, यहाँ भी हमारी छत पूरी गीली पड़ी हुई है, बारिश हो रही है, इसका मतलब यहाँ भी हुई है। गाइस यहाँ से पहाड़ की तरफ दिख नहीं रहे, बिल्कुल पहाड़ एकदम ही गायब हो गए, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ कभी थे ही नहीं यहाँ पर। सो चले गए, चलते नीचे, छुट्टी का दिन है। मम्मी जी से देखते हैं क्या बन रहा है खाने में, क्या बनाना है खाने में। चाची फिलहाल अभी तक ऊपर आए नहीं है, हो सकता है सोया हो अभी। हाँ चलो हनी, शाबाश। और गई जी देखिए मेरा मनी प्लांट, बहुत पैसा हो गया हमारे पास में, देखो इतना बड़ा पेड़ हो गया मनी प्लांट का। भैया कपड़े धुल रहे, आजा। चाची भूल तो रह गया। और भैया तैयारी चल रही है 15 अगस्त की, मेरा देशभक्ति गाना है वो, डीजे वाले बाबू थोड़ी बज रहा। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। हो गया, थक गया मैं। सो चले गई, इस बच्चों के साथ डांस वांस करके थोड़ा मस्ती करके मैं ऊपर आ गया हूँ। और गई, इस बाहर बारिश शुरू हो गई है, वैसे बहुत तेज तो नहीं हो रही लेकिन हल्की हल्की हो रही है, लेकिन बारिश तो बारिश ही है। सो गाइज, एक बज चुका है और मैं फिर से अपने घर की छत पे आ चुका हूँ, नहा धो के बिल्कुल बढ़िया तरीके से, पूजा पाठ नहीं करी मैंने, एक बज गया है। और अभी जस्ट मेरे सारे काम कंप्लीट हुए हैं, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ वगैरह। और गाइज, व्लॉग का टाइटल तो आपको मालूम पड़ ही गया है कि मैं आज कहाँ पहुँच गया हूँ, है ना। तो मैं पहले से इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है निकल रहा तो पहुँच ही जाऊँगा वहाँ तक। और अचानक से गाइज मेरा प्लान बना, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं, लेकिन मैंने कहा शनिवार है, खाली हूँ, छुट्टी का दिन है, तो होकर के आते हैं, है ना, बाबा जी के दर्शन करके आते हैं। और पता नहीं गाइज ना, मैं भी ऐसे आंखें बंद करके बैठा हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वहाँ पहुँच, मतलब मैं फिजिकली भी आपके सामने हूँ, यहाँ हल्द्वानी में हूँ, अपने घर पे हूँ, लेकिन मेंटली ना मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ अभी तक। तो बाबा जी बुला रहे हैं आज अपने दर्शन के लिए, तो चलते हैं उनके दर्शन करके आते हैं। होप सो किसी रीज़न से वो बुला रहे होंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले हनुमान जी ने बुलाया था हनुमान मंदिर, आज थोड़े हाई हाई लेवल के जो भगवान है वो बुला रहे हैं अपने पास में, तो चलिए गाइस उनसे मिलकर के आते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अच्छा हाँ, तो गुड आफ्टरनून हो गया ना, हाँ 1 बज गया। 1 बज गया। क्या अचार डाल रहे हो? अचार डाल दिया, डब्बों में भर रहे। क्या बात है, ऐसे बिजनेस किया जाए तो आपके हाथ के अचारों का खूब चलेगा। तो कहते हैं महान हस्तियाँ होती हैं, और यूट्यूब में ऐसे आ जाते हैं, और आप भी बनाओ, काफ़ी सारे लोगों के हाथ का तो अचार बनता ही नहीं है, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है मतलब। लेकिन फिर भी तारीफ दिखाते हैं यूट्यूब में अपने, हाँ शुरू शुरू में दिखाए, बाद में कौन देख रहा है उसको। और क्या, ये चलता हूँ मैं, खाना कहाँ, अभी आगे खाऊंगा, कितने देर में, थोड़ी देर में आता हूँ, खाना तैयार है, आगे खाता हूँ। चलिए गाइस निकला जाए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सो लेट्स गो टू कैची धाम, यस। और गाइस मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस टाइम पे यहाँ पर इतना गर्म हो रहा है ना, मतलब उमस जैसी हो रही है। मैं भी घर से जब निकल रहा था ना, पूरा पसीने पसीने हो गया मेरे को, लेकिन मैं सामने पहाड़ों की तरफ देख रहा हूँ गाइस, कितना प्यारा मौसम हो रखा है इस टाइम पे, तो बहुत सही दिन जा रहा हूँ गाइस मैं, तो उम्मीद करूंगा कि रास्ते में बारिश ना हो। वैसे मैंने रेनकोट ले लिया अपना, अगर बारिश वारिश होगी तो रेनकोट लगा लेंगे। और आज गाइस GoPro के साथ में जा रहे हैं हम,
तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है मेरे लिए कि गोप्रो लगा लिया मैंने और आराम से रिलैक्स होकर स्कूटी चलाओ, क्योंकि पहाड़ों का सफर है गाइस, कहीं पर रोड अच्छी कहीं पर रोड खराब होती है। सुबह गाइस यहाँ से पहले निकलूंगा मैं भीमताल, और भीमताल से भवाली, और फिर भवाली से गाइस मैं निकलूंगा कैसी धाम की तरफ, और भवाली से ही जो है मैं प्रसाद वगैरह ले लूंगा, मिठाई जो चढ़ती ना वहाँ पर लड्डू चढ़ते हैं, बेसन के लड्डू चढ़ते हैं, तो वाली प्रसाद जो है वहीं से ले लूंगा मैं भवाली से। और मैं खाली पेट गया इसलिए जा रहा हूँ, मैंने कहा चलो मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं तो खाली पेट जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। वैसे भगवान तो हमेशा यही कहते हैं कि भाई खुद को कष्ट दे करके कभी आप कोई व्रत या कुछ मत लिया करो, लेकिन अपनी भी एक श्रद्धा होती है। सो उम्मीद करूँगा जो मेरा सफ़र है वो बढ़िया रहेगा और सकुशल मैं वहाँ से जा करके वापस भी आ जाऊँ। बस बाबा जी का आशीर्वाद है अब तो हमारे ऊपर। मैंने बोला ना गाइस आपको कि मैं फिजिकली भी यहाँ हूँ लेकिन मेंटल तौर पे मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ गाइस। जय माता दी। और गाइस जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस तरफ तो मौसम बड़ा सही हो रहा है, और मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ इस पहाड़ों में बड़ा सही मौसम हो रहा है, लेकिन पता नहीं हल्द्वानी से यानी कि हमारे घर से ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों की तरफ पता नहीं कितनी जो बारिश हो रही है। और गई स्कूटी में पेट्रोल थोड़ा कम है अभी, तो पहले से पेट्रोल डलाते हैं फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो चली गई जी आया हमारा पेट्रोल पंप 60 ऑनलाइन है सामने होती है। ये GoPro 10 है ना, इसमें सामने पीछे साइड में नहीं दोनों है, पीछे भी आगे। ये माइक है ना इसमें अंदर से, तो इसका रिसीवर है ये। सो चलिए गाइस डलवा लिया पेट्रोल, अब निकला जाए फाइनली यहाँ से। और ये देखिए हमारे कमलेश भाई निकले भी यहाँ से, इनको हाथ दिखाया मैंने और देखा नहीं इन्हें मेरी तरफ। सो गाइस अभी आप देख पा रहे कि मैं पहुँचने वाला हूँ भीमताल, और गाइस इतना प्यारा मौसम हो रहा है भीमताल में, सच में आप देख सकते हैं गाइस कोहरा लगा हुआ है, धुंध सी छाई है बिल्कुल एकदम, पहाड़ में इसको हम हॉल बोलते हैं। तो फाइनली गाइस स्वागत हो गया हमारा भीमताल में। और गाइस यहाँ से ऊपर को है मेरा मालाकोट, ये तो आप जानते ही हैं। और गाइस यहाँ से मुझे मुड़ना है राइट साइड हमारी डांट वाली रोड की तरफ। और गाइस अब देखिए सामने का व्यू आप, कितना मस्त व्यू दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। और इस टाइम पे गाइस यहाँ पर ना वो भी होता है नाशपाती, अगर मिलेंगे तो मैं लेकर के जाऊँगा, मम्मी जी को बहुत पसंद है नाशपाती। और यहाँ पर गाइस एक ऊपर गाँव है, उस गाँव का नाम है सांगुड़ी गाँव, हाँ सांगुड़ी गाँव है एक ऊपर यहाँ पे, वहाँ के जो नाशपाती है कुछ ज़्यादा ही फेमस है। सो चलिए गाइस फाइनली एंट्री ले ली मैंने भवाली में, और यहाँ पर पहुँचते ही ना मौसम एकदम चेंज चेंज सा लग रहा है मुझे। तो गाइस यहीं पर ही है हमारे कुंवर स्वीट्स, तो वहीं से लेते हैं लड्डू और फिर वही लेके जाएंगे मंदिर में। और गाइस मैं काफ़ी टाइम के बाद देख रहा हूँ यहाँ पर मतलब इतनी सुनसानी सी इस रोड में, जनरली ऐसा होता नहीं है इस रोड में, तो काफ़ी भीड़ भाड़ लगी रहती है लेकिन आज काफ़ी सुनसानी लग रही है मुझे, हो सकता है सारे श्रद्धालु पहुँच गया हो मंदिर इसीलिए। और गाइस ये है नैना देवी मंदिर, जय माता दी। और गाइस यहाँ पर आएगा हमारा कुंवर स्वीट्स, कहाँ गया कुंवर स्वीट्स, हाँ जी गाइस ये आई हमारी कुंवर मिष्ठान भंडार। चलिए गाइस यहीं से लेते हैं मिठाई। सो चलिए गाइस फाइनली कुंवर स्वीट्स ले लिए मैंने लड्डू, अब चलते हैं। और गाइस ये जो शॉप है ना 1921 की, और जो भाई साहब यहाँ बैठे हुए ना ये काफ़ी अच्छे परिचित है मेरे से, मतलब जब मैं बुक्स मार्केटिंग करता था तो इन्हीं के वहाँ पर अपने बैग वगैरह रखा करता था, तो अब तो इन्हें अपनी दुकान काफ़ी चेंज कर दी, पहले तो काफ़ी मतलब पुराने टाइप के थे लेकिन अब काफ़ी इन्हें मतलब ठीक कर दिया, टेबल चेयर वगैरह बहुत बढ़िया कर दिया अब तो। तो चले गए अब चलते हैं यहाँ से सीधे कैंची धाम की तरफ। अरे भाई साहब तो रास्ते में खड़े हो गए मेरे, ये बड़ा पंगा हो रहा आज, या तो मैं किसी के आगे से आ जा रहा है तो कोई मेरे आगे से आ जा रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने कैंची धाम मंदिर बस थोड़ा सा ही रह गया है, बस नीचे कार पार्किंग दिख रही होगी आपको और सामने कैंची धाम मंदिर। तो चलिए गाइस कुछ ही देर में मैं पहुँचने वाला हूँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन में। तो अब तो गाइस मैं देख रहा हूँ गाइस यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक ना यहाँ पर ऐसी भीड़ थी, आपने मेरे पहले के व्लॉग भी देखे होंगे गाइस, बहुत गजब की भीड़ रहती है यहाँ पे। तो जो भी लोग अभी बाबा जी के दर्शन करना आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हैं वो आराम से, इस टाइम पे दर्शन करने के लिए बहुत सही समय है गाइस ये। सो गाइस मैं अपनी स्कूटी को ही साइड में लगाता हूँ क्योंकि टू व्हीलर का तो ऐसा है कि कहीं भी खड़ी कर दो। चलिए स्कूटी यहाँ खड़ी कर दिए, अब चलते हैं। GoPro को गाइस मैंने स्कूटी में डाल दिया क्योंकि वैसे इसके अंदर तो कैमरा अलाउ है नहीं, इसीलिए फाइनली चलते हैं अंदर दर्शन करके आते हैं। जय श्री राम। चलिए गाइस फाइनली हो गए मंदिर दर्शन पूरे,
चलते हैं। शूज मैंने अपने यहाँ उतारे हुए थे, प्रसाद मिल गया मुझे चना। और सच में गए, ये जो मेरा प्लान बना है ना, ये एकदम से बना है यहाँ आने का। बाबा जी ने बुलाया था अपने पास में, तो आ गया मैं दर्शन करने के लिए। अब कोई साथ में तो है नहीं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा। तो इन भाई लोगों का धन्यवाद जिनने मेरी फ़ोटो ले ली, ठीक है, थैंक यू भैया। ये हमारे बन गए सब्सक्राइबर अल्मोड़ा से, दोनों भाई लोग हमारे। सो चले गए, हो गए दर्शन पूरे मंदिर से। अब चलते हैं और मेन जो है एक फ़ोटो यहाँ भी ले लेते हैं किसी से बोल करके, यहाँ पर फ़ोटो बड़ी अच्छी आती है। सो गाइस, मिलाता हूँ आपको एक और अपने नए दोस्त से जो है बेसिकली एमपी के रहने वाले, और फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो। ये फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहा हूँ। हमारी थोड़ी देर पहले दोस्ती भी है, 5-10 मिनट पहले, मतलब फोटो वाली दोस्ती होगी हमारी तो ये भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, तो हमने कहा चलो एक दूसरे की फोटो खींचते। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। सबसे बढ़िया क्या लगा आपको यहाँ पे? यहाँ की शांति और सबसे बड़ी यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है ना, यहाँ का आपसे शांति होगी। हाँ बिल्कुल, है ना, इतना ठंडक मिलेगी आपको यहाँ पर जो आपको कहीं नहीं मिल सकती, है ना, सबसे बढ़िया बात ये है यहाँ की। सो चलिए गाइस, दर्शन तो मेरे हो चुके हैं लेकिन काफ़ी देर से मैं इधर ही खड़ा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर खड़े होकर, शांति से मिल रही है। सो चलिए गाइस, हो गए हैं मंदिर से दर्शन पूरे, और काफ़ी दूर का गाइस मैं, और काफ़ी देर मैंने वहाँ पर ध्यान किया लगभग 15-20 मिनट के आसपास। तो फिलहाल अभी स्कूटी सामने खड़ी है, निकलते थोड़ी देर में चाय पी करके। चलिए जी, आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी के कप में चाय आई है। सो चलिए गाइस, चाय पी ली है बढ़िया वाली, और बारिश भी शुरू हो गई है, देखिए अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ सोनी हो रही है। तो चलते अपने धनों के पास में, उठाते अपना हेलमेट, लगाते हैं इसमें गोप्रो और निकलते हैं भालद्वानी की तरफ। सो चले गाइस, रेनकोट मैंने पहन लिया, स्कूटी हमारी तैयार हो गई है। सो चले गाइस, हो गए हैं फाइनली बाबा जी के दर्शन पूरे, बाबा जी ने आज अपने पास बुलाया। और सच बता रहा हूँ गाइस कि पता नहीं मेरा कैसा आना हो गया यहाँ पर, मुझे भी नहीं मालूम, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ पर आके एक नया दोस्त बन गया हमारे द्विवेदी जी। दिमाग अब ऐसा हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल खाली, एकदम रिलैक्स। मैं वहाँ बैठा लगभग 15 मिनट के आसपास, गई मैंने आंखें बंद करी हुई थी अपनी, और उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली ना गई, तो मतलब इतना सुकून, इतना अच्छा फील हुआ गई मुझे, बहुत ज़्यादा गई सच में। और कई बार ना कुछ लोगों को लगता है कि यार जो बंदे हंस खेल के बात करते हैं, खुश होते हैं ना, उनके मन में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा खुश दिखता है ना आपको, तो अंदर से उतना ज़्यादा दुखी भी होता है, और वो अपने दुख सिर्फ दो लोगों को बांट सकता है, एक अपनी माँ के सामने अपने दुख बांट सकता है, और दूसरा भगवान के सामने। इसमें पानी तो नहीं आ गया। सो गाइज गाइज गाइज, आप देख सकते हैं बारिश कितना तेज हो गई है भाई साहब, बहुत तेज। सो गाइज, मैं रास्ते में रुक के अपने रेनकोट पहन लिया था, मैंने कहा बारिश लगी गई है तो रेनकोट पूरा पहन लेते हैं। और गाइज आप देखिए, इतनी गजब की बारिश हो रही है ना भाई साहब, सच में गाइज बहुत मजा आ रहा है लेकिन ऐसी बारिश में। तो और गाइस अब ये देखिए गाइस, अब यही होता है इस पहाड़ों में ना, मतलब बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है इस पहाड़ों में। जरा सी बारिश हुई, जरा सा कुछ हुआ नहीं, रोड यहाँ की ऐसी हो जाती है ना, पूरा पानी पानी भर जाता है गजब तरीके से, और सारा जो पानी गाइस ना ये वहीं से आ रहा है ऊपर पहाड़ों की तरफ से। और रोड देखिए गाइस, इस टाइम पर इतनी ख़राब रोड हो रही है ना, बहुत ख़राब। सो चले गाइस फाइनली, ये मैंने एंट्री ले ली गई इस भीमताल में। सो ताल के रास्ते होते हुए निकलते गए बाबा जी के पास, अब पी के आते हैं सूप और थूप खा के आते हैं। सो चले गए, भीगते भिगाते पहुंच गए यहाँ पे मैं। सो चलते हैं यार, बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है सच में। सो लीजिए गाइस, आ गया हमारा गर्मा गर्म थुप्पा, और गए साथ में आ गया सूप, लेकिन आज सूप ना गाइस थोड़ा सा पतला हो गया, कोई बात नहीं गाइस, सूप को डालेंगे गाइस थुप्पे में और उसके बाद इसको एंजॉय करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए गाइस, इसको कभी खा के देखिए गाइस, बहुत मजा आएगा आपको। सो चले गाइस, वक्त हो गया यहाँ से निकलने का, और मज़ा आ गया थुप्पा खा करके और सूप पी करके। और गाइस अब यकीन नहीं मानेंगे, 6 बज चुके हैं, मुझे मालूम ही नहीं चला, मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा है कि 6 बज गए। तो चलिए गाइस निकलते हैं, बहुत लेट हो गई आज तो, क्योंकि मैं निकला ही लेट था ना, 1 बजे मैं घर से निकला था, अब 1 बजे निकलूँगा तो होगा ही लेट, सुबह सुबह निकल जाता तो ऐसा नहीं होता। जय श्री राम। सो गाइस आप देखिए, सच में मौसम कितना प्यारा हो गया अभी इस टाइम में यहाँ का, और ताल कितनी सुंदर दिखाई दे रही है गाइस, माय गॉड। तो चले गाइस अब सीधे निकलते हैं यहाँ से हल्द्वानी की तरफ, और बता रहा हूँ गाइस यहाँ पर है भागवत फिलहाल अभी, जो अभी 2 तारीख को जो समाप्त होगी। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सामने ना मामी जी जा रही है शायद, हाँ हाँ वही है वही है। ये बताना ठीक था मंदिर ठीक ठाक और मम्मी ठीक है? हाँ देख रहे हो उसमें आप?
दे रही हूँ। हाय करो, हाय हाय बोलो। लगाऊंगी तो प्रसाद खाओ। हाँ प्रसाद दे लो, थोड़ा दे दो मुझे। निकालो निकालो। अच्छा चलो, जय हो प्रभु। चलो घर चलो। हैं अभी देखो टाइम 7 बज गया, अब तो फिर आऊँगा। मौसम खराब हो गया ना, मैंने पता पक्का आने वाला था पता है। और जब भी मैं यहाँ को आता हूँ ना, मुझे याद रहता वो आपके पेड़ लाने करके। हाँ यार, वो पेड़ तो ला ही देना है ना। और मैं, मुझे इतनी बार कह दिया, मैं भूल जाता हूँ। अरे मकर संक्रांति आगे भूल गई बरसा आ गई थी। अरे बारिश की वजह से सब गड़बड़ जा रहा है। हाँ ठीक है, तुम जाओगे नहीं फिर? अभी नहीं, फिर कभी आऊँगा आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है। मामा जी ठीक है ना? अच्छा चलो, मामा जी मिलेंगे तो मिलते हो जाऊँगा। मैंने छोड़ दूँ आप लोग, आ जाओ। नहीं नहीं, चलो ठीक है। सो गाइस, ये है मेरी मामी जी, और मामी जी बता रही है कि मामा जी शायद मार्केट में गए होंगे। सो गाइस, मैं पहुंच तो गया हूँ मार्केट में, लेकिन मुझे मामा जी कहीं ना दिखाई दे नहीं रहे गाइस। सो देखते हैं, अगर मामा जी मिलेंगे तो ठीक है, वरना ऐसे निकल जाऊँगा फिर बिना मिले। सो गाइस, मामा जी तो मिल नहीं, लेकिन अब ये नज़ारा देखिए गाइस, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। और थोड़ा सा आगे जाके ना गाइस, मैं स्कूटी रोकने वाला हूँ, क्योंकि ना पहाड़ों के ऊपर बादल इस तरीके से आ रखे ना, बहुत गजब लग रहा है। सो गाइस, कुछ देर के लिए रुका था मैं यहाँ पर, यहाँ का व्यू देखने के लिए। तो देखिए आप, कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है गाइस, मस्त एकदम। सोच ले गाइस, अब निकलते हैं वापस हल्द्वानी की तरफ। के सो गाइस, बहुत बढ़िया दिन रहा आज का, और इत्तफाकन आते आते रास्ते मामी जी मिल गई, उनसे भी मिलना जुलना हो गया, आशीर्वाद ले लिया उनका भी। और ये मुझे लग रहे हैं मनोज भैया, हाँ वही है। तो फिर गाइस, टाइम हो चुका है लगभग 6:30, तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो, अंधेरा हो, फटाफट से घर पहुँचते हैं। अब आपसे डायरेक्टली बात करते हैं हल्द्वानी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। सो चले गाइस, फाइनली हो गई है हल्द्वानी वापसी। फिलहाल गाइस, मैं भी काठगोदाम में पहुँचा, और यहाँ पहुँचते आप देखिए कैसा जाम लगा हुआ है, एकदम गंदा वाला। सो चले गाइस, फाइनली पहुँच गया घर के कॉलोनी में। गाइस ये पहुँचा मैं घर, कहलाए लड्डू ये तो दादी को दे दे, क्या हो मेरे कुत्ते का बच्चा लड्डू। अच्छा लड्डू। सो चले गाइस, फाइनली घर पहुंच गया हूँ, चाचू को दे दिया है लड्डू। चाचू ने क्या खाया? लड्डू खाया। हाँ। कैसे खाया? ऐसे का। सो गाइस, आज आपने फिर मेरा व्लॉग देखा, इस देखा कि आज मैं पहुंच गया कैची धाम मंदिर, और बाबा जी का आज मेरे को आया था निमंत्रण। सच में गाइस, मैं किसी भी मंदिर में जाता हूं ना, तो मेरे को लगता है कि जब तक वहां से आपको बुलावा नहीं आता ना, आप नहीं जा सकते। तो बाबा जी ने आज बुलाया था मुझे अपने पास में, मैं गाइस वहां गया। मैंने आँख बंद करके ना गाइस, लगभग 15 मिनट तो वहां बैठा था मैं, और गाइस उस दौरान पता नहीं दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे मेरे। और जब मैं वहां से उठा, मैं बाहर निकला, तो मेरा मन इतना शांत सा लगने लगा ना मुझे गाइस, सच बता रहा हूँ आपको, कि इतना अच्छा फील हो रहा था मुझे। और आज मैंने बोला कि वैसे तो हनुमान जी का दिन होता है, और गाइस जो नीम करौली महाराज है वो हनुमान जी का ही रूप है, तो इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए गया था आज। तो काफी अच्छा लगा गाइस, और गाइस नए नए दोस्त बने, और एक हमारे दोस्त योगेंद्र भाई, योगेंद्र द्विवेदी जी जो MP के रहने वाले थे, उनसे हमारे मुलाकात हुई। तो वो भी हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं, और वो हमारे सारे व्लॉग देखेंगे, इस व्लॉग को भी पक्का वो पसंद करेंगे। और गाइस, अगर आप सब लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को, और शेयर करेगा बहुत सारे लोगों तक। फिर मिलते हैं कल आपसे नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ। जय श्री राम। तब तक के लिए बाय बाय।